गाइस, माय नेम इज अमृता। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ फेस मसाज करने की टेक्निक और फेस मसाज कराने से क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फेस मसाज कराने के बेनिफिट्स बताऊंगी। फेस मसाज कराने से हमारी जो स्किन है वो लिफ्ट होती है, स्किन की टोनिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे फेस के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे फेस स्ट्रेस लाइंस जो आ जाती है फेस पे वो नहीं होता है और एक नेचुरल ग्लो क्रिएट होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी कि फेस मसाज कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आप फेस क्लीन कर ले क्लींजर से। ताकि फेस मसाज करने में इजी रहे। और ये जो मैं क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ ये O3 का क्लेंजर है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, ऑयली है तो जेल बेस्ड यूज़ कर सकती हैं। और आपको 2 ड्रॉप ये लेना है, 2 पंप। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. आपको क्लींजर को अच्छे से रिमूव करना है। ये मैंने पूरा फेस क्लीन कर लिया है। ये मैं O3 का क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो फॉर ड्राई स्किन के लिए है। जब हम O3 के क्रीम से मसाज करते हैं तो हमें वाटर यूज़ करना नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑयल बेस है। और स्पैचुला यूज़ करें आप क्रीम निकालने के लिए। अब ये सारी क्रीम को मैं थोड़ा सा फेस थोड़ा थोड़ा करके फेस पे लगाऊंगी। सबसे पहले नीचे से मसाज करना शुरू करें और बहुत स्लोली मसाज करें। चिक्स में एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें। मैं थोड़ा सा नोज़ के पास प्रेस कर रही हूँ।
फॉरवर्ड पे एंटी क्लॉक वाइज आप मसाज करें, और वेरी बहुत स्लो हैंड चलाना चाहिए। हमारे फेस के जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। हल्का सा प्रेस करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है जो को रिलैक्स करता है, और हमारे मसल्स भी रिलैक्स होते हैं इससे। अब मैं आई बॉल पे मसाज कर रही हूँ क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, जिससे आँखों की जो स्ट्रेस है वो दूर होती है। ये मैं स्टेप जो कर रही हूँ वो लाफिंग लाइन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे लाफिंग लाइन आ जाती है। इसको रिमूव करने के लिए हमें ये स्टेप्स करना चाहिए, और ये स्टेप्स जो है एक नेचुरल ग्लो भी क्रिएट करता है, जिससे हमारे फेस पे ग्लो नज़र आता है। मैं अभी जो लाइन को प्रेस कर रही हूँ, और हल्का सा कान के पीछे भी प्रेस कर रही हूँ, जिससे रिलैक्सेशन फील हो। ईयर में भी थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ, जिससे रिलैक्स फील हो। यह अब मैं नेक पे मसाज कर रही हूँ, जो नेक की लाइन है यहाँ पे कई बार लाइंस आ जाती हैं, जो हेल्प करती हैं स्किन को लिफ्ट करने में। अब मैं चिक्स पे मसाज कर रही हूँ। हमेशा हमें पीछे की साइड करके मसाज करना चाहिए, जिससे हमारी स्किन जो है लिफ्ट हो। अब मैं ये जो स्टेप्स कर रही हूँ ये हमारे चीक्स को लिफ्ट करने के लिए, टोनिंग करने के लिए हेल्प करता है, और इसको बहुत स्लो करना होता है। फाइन लाइन्स आँखों के साइड में जो फाइन लाइंस है ये इसको रिमूव करता है, हेल्प करता है कि जो फाइन लाइंस है वो बढ़े ना, और हमारी स्किन की जो है टोनिंग हो, और वो स्किन टाइट हो जाए। ये टाइट करने में हेल्प करता है ये जो स्टेप्स है, और इसे ऊपर की तरफ करके पुल करें। फोरहेड में भी सेम आपको करना है, ऊपर की साइड करके स्किन को पुल करना है, बिल्कुल स्लोली। फिर सेम स्टेप्स जो है दूसरी साइड करना है। ये हमारी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है।
ये जो मैं स्टेप्स कर रही हूँ नेक का बार बार, ये हमारे नेक की जो लाइन है, यहाँ पे लाइंस जो आ जाती हैं उसको टाइट करता है। इसीलिए आप 3 से 4 बार फेस मसाज करते टाइम करें, जिससे आपकी जो स्किन, यहाँ पे अगर किसी की डबल चिन भी होती है वो भी टाइट हो जाती है। ये सेंटर पे प्रेस करें और आंखों के आईब्रोज को भी प्रेस करें, जिससे रिलैक्स फील हो। आंखों के पास भी प्रेस करें, ये मसल्स को रिलैक्स करता है। अब ये जो मैं स्टेप्स कर रही हूँ ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। स्किन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसलिए मैं ये स्टेप्स कर रही हूँ। और जब आप मसाज एंड करें तो अपने हैंड्स को और ज़्यादा स्लो कर ले और एकदम स्लोली अपने हैंड्स को रिमूव करें फेस से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कुछ और मसाज या हेयर से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब भी आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पे भी पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वो सब चीज़ों के लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।